बांग्लादेश ने पहली बार बरतानिया को समंदर में चलने वाला तेज रफ्तार कसीर मकसदी कंटेनर जहाज बरामद किया है। आंदा शिपयार्ड और सिलिक वेज लिमिटेड ने मंगल को ढाका में एंटर कॉन्टिनेंटल में मुनक्कदा एक तकरीब में ये जहाज अपने बरतानिया के खरीदार एंजीन शिपिंग कंपनी लिमिटेड के हवाले किया। 364 फीट लंबा, 54 फीट चौड़ा और 27 फीट गहरा जहाज 4130 हॉर्स पावर का इंजन रखता है और ये 12.5 नॉटिकल मील फी घंटा की रफ्तार तक पहुंच सकता है। 6100 डेडवेट टनेज की सलाहियत वाला ये जहाज मुकम्मल तौर पर नारायणगंज के मेघना घाट में बनाया गया था। ढाका टेलीविजन से बात करते हुए आंदा ग्रुप के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर तारिफ अल इस्लाम ने कहा, 2008 में हमने पहले डेनमार्क को एक जहाज बरामद किया और अब हमने बरतानिया को बरामद किया है। ये भी पहली बार है कि बरतानिया ने बांग्लादेश से जहाज बरामद किया है। ये जहाज जौहरी फजिला के अलावा किसी भी किस्म के खतरनाक सामान को ले जा सकता है और ये एक आइस क्लास जहाज है जो समंदर पर 4 फीट बर्फ को तोड़कर आसानी से हरकत कर सकता है। ये जहाज अपने इंजन रोम में 16 घंटे तक कप्तान की मदद के बगैर भी चल सकता है। वजीर ममलुकत बराए जहाज रानी खालिद महमूद चौधरी, जिन्होंने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की, कहा, बांग्लादेश ने आज बरतानिया को एक जदीद कसीर मकसदी कंटेनर जहाज की बरामद मुकम्मल कर ली है। ये हम सब के लिए काबिल फख्र दिन है। वजीर आजम शेख हसीना की क्यादत में मौजूदा हुकूमत जहाज साजी की सनत को बहुत अहमियत देती है, इसलिए बांग्लादेश की निजी कंपनियों के लिए जहाज बरामद करना आसान हो गया है। ये शुबा जल्द ही बांग्लादेश की मईशत में एक बड़ा किरदार अदा करेगा, रियासती वजीर ने मजीद कहा।